हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट जे आर एफ एन सेट के पेपर टू कॉमर्स की बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स आपकी कॉमर्स की यूनिट नंबर थ्री है ठीक है ये यूनिट पेपर टू कॉमर्स एंड पेपर टू मैनेजमेंट दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रहेगी बिकॉज बिजनेस इकोनॉमिक्स दोनों ही स्टूडेंट्स को है राइट right? तो दोनों की ही स्टूडेंट्स इस, इस, इस सीरीज का बेनिफिट ले सकते हैं कमिंग टू आज का हमारा ट्वेंटी लेक्चर ऑफ बिजनेस बिजनेस इकोनॉमिक्स जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ डिटर्मिनेंस ऑफ सप्लाई ठीक है लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्टॉक क्या होता होता है है सप्लाई क्या राइट उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है तो हमने सप्लाई को बेसिक मीनिंग वगैरह टाइप डिस्कस कर लिया था मैं सप्लाई ज्यादा करूंगी कम करूंगी एज अ प्रोड्यूसर वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो सारे के सारे फैक्टर्स में इस लेक्चर में डिस्कस करने वाली हूँ डिटेल में ठीक है और ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट रहेगा स्पेशली आपके नेक्स्ट next... लेक्चर के लिए क्यों क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो इसके बाद आएगा उसमें मैं आपके साथ लॉ ऑफ सप्लाई डिस्कस करने वाली हूँ राइट तो लॉ ऑफ सप्लाई में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है फैक्टर्स की डिटर्मनेंस की अगर आपको डिटर्मनेट्स क्लियर होंगे तो वो आपको लॉ ऑफ सप्लाई में भी फिर से काम आएंगे राइट तो उस इंपॉर्टेंट से कि लॉ ऑफ सप्लाई में ये लेक्चर बहुत ही रेलिवेंट है इसलिए आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूँ मेरा नाम प्रियंका नाथानी है मैंने अपना नेट किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 नाइन पॉइंट फाइव परसेंट टाइल के साथ साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प में सो दिस वॉज माई ब्रीफ बैकग्राउंड कमिंग टू एक इम्पॉटेंट चीज़ कौन कौन से यूनिट्स अवेलेबल है और कवर्ड है मेरे यूट्यूब चैनल पे तो आप देख सकते हैं पेपर वन एंड पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की सारी यूनिट्स मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दी है इन सभी यूनिट्स की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप जाइए वहाँ से जाके इन यूनिट्स को अच्छे से कवर कीजिए मैंने बहुत सारे ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव लेक्चर्स हर एक यूनिट पर ऑलमोस्ट अपलोड करके रखे राइट right? तो जाइए उस बाकी यूनिट्स को भी साइमल्टेनियसली कवर कीजिए राइट एंड जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है उन सबके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप जाइए वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए बिकॉज पेपर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन से अपडेट्स आती हैं या लेक्चर से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके साथ टेलीग्राम पे जरूर से शेयर करती हूँ तो जाइए उस चीज का भी वहां से जाके बेनिफिट लीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है डिटर्मिनेंस ऑफ सप्लाई ठीक है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था सप्लाई क्या होता है है ना इसलिए मैं हमेशा अपने में बोलती आती हूं, प्लीज लेक्चर बाय लेक्चर देखिए मैं अपने में में हमेशा लेक्चर नंबर क्यों लिखती हूँ ताकि आप लेक्चर बाय लेक्चर देखिए सो so दैट आपको हर एक लेक्चर की कंटिन्यूटी किसी ना किसी दूसरे लेक्चर में देखने को मिलेगी ही मिलेगी राइट तो प्लीज स्टार्टिंग से पूरे लेक्चर्स को देखिए आपको देखना एक रिलेटिवनेस मिलेगी हर एक लेक्चर में राइट तो अब फिर से मैं सप्लाई तो नहीं डिस्कस करूंगी क्या होता है क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में किया था अगर आपने नहीं देखा है लास्ट लेक्चर तो मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ तो आप उसको जाके वहाँ से कवर अप कर लीजिए ठीक है कमिंग टू आज का हमारा टॉपिक जो कि है डिटर्मनेंट्स ऑफ सप्लाई डिटर्मनेंट्स को आप दूसरा नाम क्या बोल सकते हो फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ठीक है डिटर्मनेंट्स को आप क्या बोल सकते हो फैक्टर्स भी बोल सकते हो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर आपके प्रोडक्ट्स की सप्लाई बेस्ड होती है ठीक है तो टोटल आठ ऐसे फैक्टर्स है बेसिकली जिसको मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है सबसे पहला पहला फैक्टर है आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी सेकेंड है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी थर्ड है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फोर्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फिफ्थ है गवर्नमेंट पॉलिसी सिक्स है नेचुरल कंडीशन सेवेंथ है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस एंड एथ है अदर फैक्टर्स सेवन के अलावा भी बहुत सारे और एन नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं तो हम ज्यादा सबके सब फैक्टर्स तो डिस्कस नहीं कर सकते राइट right? तो so, मैंने अदर फैक्टर्स करके वहाँ पे बाकी जो कम रिलेटेड फैक्टर्स हैं या जो बोलते हैं ना इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स नहीं है उनको अदर फैक्टर्स में लिस्ट डाउन कर दिया सिर्फ आपके लिए राइट एक एक करके ना इन सभी फैक्टर्स को डिटेल में देखते हैं और ये सारे फैक्टर्स आपके किस में आएंगे लॉ ऑफ सप्लाई में जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको लॉ ऑफ सप्लाई कराऊंगी बहुत काम आएंगे वहां पे ये ठीक है तो बहुत जरूरी है आप एक एक फैक्टर को डिटेल में समझिए एक एक डिटर्मनेंट को डिटेल में समझिए कि इन सभी डिटर्मनेट्स के वजह से कैसे सप्लाई अफेक्ट होती है वो आपको डिटेल में समझना है इसलिए एक एक फैक्टर को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं चलिए स्टार्ट करते सबसे पहला पहला फैक्टर क्या है सबसे पहला फैक्टर है आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी आपके कमोडिटी की प्राइस कैसी है ठीक है तो अगर आपके कमोडिटी की प्राइस ज्यादा है तो आप सप्लाई भी ज्यादा करोगे सपोज मैं एक सेलर हूँ सप्लायर हूँ ठीक है आज मैं मार्केट में गई मार्केट में मुझे क्या दिख रहा है मेरे प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो ज्यादा है और ज्यादा प्राइस है तो एज अ सेलर तो मैं खुश होंगी ना क्योंकि मैं ज्यादा प्राइस पे उस प्रोडक्ट को बेच सकती हूँ राइट और क्योंकि ज्यादा प्राइस मुझे बेचने के लिए मिल रहा है मैं ज्यादा प्राइस पे बेच रही हूँ तो भी लोग खरीदने के लिए रेडी है तो एज अ सप्लायर मैं ज़्यादा सेल भी करूँगी ज्यादा सप्लाई भी करूँगी राइट तो हमेशा अगर प्राइस ज्यादा रहता है तो सप्लायर सप्लाई भी ज्यादा करता है और मुझे मिलेगा उसके लिए मुझे सप्लाई भी ज्यादा करनी पड़ेगी राइट तो ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर प्राइस ज्यादा होता है तो एज अ सप्लायर हम क्या करते हैं एज अ सेलर हम क्या करते हैं सप्लाई भी ज्यादा करते हैं एंड उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट भी होता है कि प्राइस अगर कम मिलेगा आज की डेट में मुझे मिले Uh, जो भी मैं कुछ बेच रही हूँ मार्केट में उसका आज प्राइस बहुत ही कम है तो बट ऑब्वियस एज अ सप्लायर मैं सोचूंगी आज ना मैं सप्लाई अपनी कम कर देती हूँ क्यों क्योंकि मैं सोचूंगी चल यार कल परसों अगर प्राइस बढ़ गया तो मैं तभी ज़्यादा सप्लाई करूंगी आज प्राइस कम है क्योंकि तो एज अ सप्लायर मैं सोचूंगी यार मैं अगर प्राइस कम है तो मेरा प्रॉफिट भी कम होगा प्रॉफिट कम है तो बट ऑब्वियस है मेरे को ज्यादा बिजनेस uh, करके कोई फायदा नहीं होगा राइट तो उस केस में सप्लायर क्या कर देता है अपना सप्लाई कम कर देता है ठीक है तो प्राइस ज्यादा तो सप्लाई भी ज्यादा प्राइस कम तो सप्लाई भी कम इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं इसका मतलब हम बोल सकते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई डायरेक्ट रिलेशनशिप क्यों है क्योंकि देखिए दोनों एरो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और दोनों ही एरो नीचे की तरफ जा रहे हैं अगर प्राइस ज्यादा तो सप्लाई भी ज्यादा प्राइस कम तो सप्लाई भी कम जब दोनों एरोज सेम डायरेक्शन में जाते हैं याद रखिएगा जब एरोज हमेशा सेम डायरेक्शन में जाते हैं ना तो उसे हम बोलते हैं कि कैसा रिलेशनशिप है डायरेक्ट रिलेशनशिप है कैसा रिलेशनशिप है डायरेक्ट रिलेशनशिप और यही एरोज अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते है. कैसे जाते ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते तो हम बोलते हैं उस केस में कि आपका रिलेशनशिप कैसा है आपका रिलेशनशिप इनडायरेक्ट है कैसा है आपका रिलेशनशिप इनडायरेक्ट है अब सोच के देखिए सेम डायरेक्शन में एरो जा रहे हैं प्राइस ज्यादा सप्लाई ज्यादा प्राइस कम तो सप्लाई भी कम इसका मतलब क्या है इसका मतलब सिंपली है कि आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन है प्राइस एंड क्वॉंटिटी सप्लाई ठीक है तो यानी मैं बोल सकती हूँ कि डायरेक्ट रिलेशनशिप हमेशा किसके बीच में होता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर एरो जाते हैं तो वो कैसा रिलेशनशिप रहता है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है जो हम लोगों ने किस में देखा था हमने डिमांड के लेक्चर में देखा था राइट डिमांड के केस में क्या होता था प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम राइट ये हमने देखा था राइट अगर आपने नहीं देखे इसको कवर, तो कवर कर सकते हैं राइट तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशनशिप कैसा है आपका रिलेशनशिप है डायरेक्ट प्राइस ज्यादा तो सप्लाई भी ज्यादा प्राइस कम तो सप्लाई भी ठीक है आई होप जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है सप्लाई का वो अच्छे से क्लियर है कमिंग टू सेकेंड डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई जो कि है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी अब स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे है देखिए कुछ कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी की बहुत नीड होती है स्पेशली आज के मॉडर्न डे बिजनेसेस में तो एक सिंपल सा बिजनेस भी आप करेंगे तो उसमें भी आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है राइट तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस को मेक और ब्रेक कर सकती है ना बना भी सकती है बेकार भी सकती है right? राइट तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी रिड्यूज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच लीड्स टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई अगर आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई आपकी टेक्नोलॉजी क्या हो गई इंप्रूव हो गई ठीक है पहले से बेटर अगर आप टेक्नोलॉजी लेके आए तो ऑटोमेटिकली इसका इफेक्ट किस पे आएगा जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा और आपका जो सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखिए टेक्नोलॉजी अच्छी आएगी इंप्रूव करोगे आप अपने फैक्ट्री में जितनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम लेके आओगे उतना ही आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा गुड्स को बनाने का खर्चा आपका कम होगा अगर खर्चा कम होगा तो आप ज्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे ज्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे तो आप ज्यादा सप्लाई भी कर पाओगे राइट तो ये रिलेशनशिप है आपका किसके स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी के बीच में टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतना ही कम प्रोडक्शन का कॉस्ट कम होगा तो आप प्रोडक्शन भी ज्यादा करोगे क्योंकि तो आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो आप सप्लाई भी इजीली ज्यादा कर पाओगे एंड इसका वाइस भी हो सकता है 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 ना इसका क्या हो सकता वाइस वर्षा भी हो सकता है वाइस वर्षा क्या होता है इकोनॉमिक्स में वाइस वर्षा यानी इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट भी हो सकता है कि सपोज टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं है ठीक है टेक्नोलॉजी आपकी कैसे डिग्रेडेड है कम है पहले जैसी पुरानी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा आपकी सप्लाई कम हो जाएगी सप्लाई क्या हो जाएगी कम हो जाएगी क्यों क्योंकि आप ज्यादा कॉस्ट प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप ज्यादा कुछ भी प्रोड्यूस सही करोगे और क्योंकि आप ज्यादा कुछ प्रोड्यूस सही करोगे तो आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ठीक है तो इसका उल्टा रिलेशनशिप भी हो सकता है अगर अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा तो आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो सप्लाई भी ज्यादा कर पाओगे एस ए सप्लायर राइट एंड इसका एग्जैक्ट उल्टा वाइस वर्सा भी हो सकता है टेक्नोलॉजी अगर आप ऑप्सुली डिग्रेडेड ऐसी वाली यूज कर रहे हो पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आप प्रोडक्शन को कम करोगे प्रोडक्शन कम करोगे तो सप्लाई भी आपकी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ठीक है आई होप ये जो सेकेंड डिटर्मनेंट है सप्लाई का ये अच्छे से क्लियर है कमिंग टू थर्ड डिटर्मनेंट जो की है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिंपली क्या होता है कि आप जबी भी, भी गुड्स को प्रोड्यूस करते हो ना तो आपको क्या लगते हैं आपको लगते हैं कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या लगते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं आप बता ही बताइए आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं कौन कौन से होते हैं वो लैंड लेबर थर्ड होता है आपका कैपिटल एंड फोर्थ होता है आपका एंटरप्रेन्योर ठीक है. है चार ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं चार ठीक है फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं कौन से हैं वो फोर फैक्टर्स फर्स्ट होता है लैंड सेकेंड होता है लेबर थर्ड होता है कैपिटल फोर्थ होता है एंटरप्रेन्योर लैंड को आप क्या देते हो अगर आप लैंड ले रहे हो तो आप उसके बदले में रेंट पे करते हो है ना आपका लैंड पे खर्चा क्या है आप रेंट पे करोगे लेबर को आप क्या देते हो वेजेस है ना कैपिटल अगर आपने मार्केट से लोन वगैरह लिया हुआ है तो आप उस पर कैपिटल पे क्या पे करते हो इंटरेस्ट पे करते हो है ना और एंटरप्रेनर को क्या मिलता है प्रॉफिट राइट right? right? तो जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है वो रिलेटेड है आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से वो किससे रिलेटेड है वो रिलेटेड है आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से तो अगर फैक्टर प्राइस ज्यादा होगा अगर ये सारी चीजें आपको महंगी मिल रही है तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपकी सप्लाई कम हो जाएगी है ना अगर मुझे रेंट ज्यादा बढ़ना पड़ता है वेजेस ज्यादा बढ़नी पड़ रही है इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ना पड़ रहा है प्रॉफिट मुझे कम हो रहा है यानी मेरा फैक्टर प्राइस बढ़ गया है राइट right? मेरा फैक्टर प्राइस बढ़ गया है तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बनाने का मेरा खर्चा है वो भी बढ़ जाएगा एंड अगर मेरा बनाने का खर्चा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है तो बट ऑब्वियस है कि मेरी सप्लाई क्या हो जाएगी कम हो जाएगी एंड इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट भी हो सकता है ना अगर मेरा फैक्टर प्राइस कम हो गया फैक्टर प्राइस क्या हो गया कम हो गया यानी मुझे रेंट कम भरना पड़ता है वेजेस सस्ती है मेरी इंटरेस्ट भी कम भरना पड़ रहा है प्रॉफिट भी मुझे ज्यादा हो रहा है अगर मेरा फैक्टर प्राइस कम हो गया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी बताइए फैक्टर प्राइस कम हो गया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी राइट right? तो सप्लाई बढ़ जाएगी बट ऑब्वियस है ना मेरी सप्लाई कैसे हो जाएगी सप्लाई बढ़ जाएगी तो ये भी एक सिनेरियो हो सकता है कि अगर फैक्टर प्राइस ज्यादा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा और सप्लाई कम और अगर फैक्टर प्राइस कम है आपको ये सब सस्ते में मिल रहे हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी और आपकी सप्लाई इन टर्न बढ़ जाएगी ठीक है आई होप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज अ अमेंट ऑफ सप्लाई आपको अच्छे से क्लियर है कमिंग टू नेक्स्ट डिटर्मनेंट ऑफ सप्लाई जो कि है गवर्नमेंट पॉलिसी अब गवर्नमेंट पॉलिसी अगर फेवरेबल हुई तो आपकी सप्लाई को वो एनकरेज करेगी राइट right? और अगर गवर्नमेंट पॉलिसी अनफेवरेबल हुई तो आपकी सप्लाई को वो डिस्करेज करेगी राइट right? इसका मतलब क्या हुआ से फॉर एग्जाम्पल की जैसे मैं बोलूं सब्सिडीज है ना सब्सिडीज जो गवर्नमेंट uh, बिज़नेसेस को देती है ना सब्सिडीज हो गया टैक्स पॉलिस टैक्सेशन पॉलिसी हो गया है ना uh, Uh, फिर uh, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए वगैरह वगैरह ना ये सब क्या है ये सब आपके गवर्नमेंट पॉलिसी में आते हैं तो अगर आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवरेबल है गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी है गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरेबल है तो आपकी सप्लाई क्या होगी बढ़ जाएगी याद रखेगा गवर्नमेंट पॉलिसी अगर पॉलिसी फेवरेबल है पॉलिसी कैसी है फेवरेबल है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सप्लाई है वो बढ़ सकती है ना क्यों क्योंकि आपके गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो एंड यही अगर आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी अनफेवरेबल है गवर्नमेंट आपको बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं कर रही है इंडस्ट्रीज को बिजनेसेस को ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए तो उसके इसमें क्या होगा ज्यादा प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो सप्लाई भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी ठीक है यानी यहाँ पे भी मैं बोल सकती हूँ डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन गवर्नमेंट पॉलिसी एंड सप्लाई रिलेशनशिप कैसा है डायरेक्ट रिलेशनशिप है अगर गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरेबल होंगी तो आप सप्लाई ज्यादा कर पाओगे अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज अनफेवरेबल होगी तो आप सप्लाई कम कर पाओगे ठीक है आई होप ये जो डिटर्मनेंट है आपको अच्छे से क्लियर है नेक्स्ट डिटर्मनेंट ऑफ इज नेचुरल Conditions. अब किसके लिए है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए है ना तो कंडीशन तो और गुड मानसून है अच्छी खासी बारिश हो रही है तो आपकी हार्वेस्ट भी अच्छी होगी हार्वेस्ट अच्छी होगी तो आप सप्लाई भी ज्यादा कर पाओगे राइट आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी एंड वाइस वर्सा अगर आपकी नेचुरल कंडीशन क्या है अगर आपकी नेचुरल कंडीशन बोल रहा है फेवरेबल है ठीक है बारिश अच्छी हो रही है क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी है तो बट ऑब्वियस है आपकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी है ना आपकी सप्लाई कैसे हो जाएगी बढ़ जाएगी और अगर आपकी नेचुरल कंडीशन अनफेवरेबल है बारिश भी अच्छी नहीं हुई है और आपके क्लाइमेटिक कंडीशन भी अच्छी नहीं है तो बट ऑब्वियस है जो आपकी सप्लाई है वो कम हो जाएगी ठीक है ये आपका रिलेशनशिप है बिटवीन क्लाइमेट नेचुरल कंडीशन और सप्लाई यानी यहाँ पे भी मैं बोल सकती हूँ डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल कंडीशन एंड सप्लाई अगर नेचुरल कंडीशन अच्छी होंगी फेवरेबल होंगी तो सप्लाई भी ज्यादा होगी नेचुरल कंडीशन अनफेवरेबल रहेगी तो सप्लाई भी कम रहेगी राइट right? दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डायरेक्ट रिलेशनशिप ठीक है आई होप ये जो डिटर्मिनेंट है सप्लाई का ये अच्छे से क्लियर है कमिंग टू नेक्स्ट डिटर्मिनेंट जो है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस कभी कभी क्या होता है या जनरली भी क्या होता है मार्केट में एज अ सप्लायर हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा है ना उस हिसाब से हम क्या करते हैं सप्लाई कम या ज्यादा करते हैं आज की डेट में है ना इफ द प्राइज आर एक्सपेक्टेड टू राइज इन द नियर फ्यूचर द प्रोड्यूसर में विट होल्ड द स्टॉक अगर मुझे लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो मैं आज क्या करूंगी आज अपने पास स्टॉक दबा के रख दूंगी मैं स्टॉक ज्यादा आज सेल नहीं करूंगी मैं आज ज़्यादा आज सप्लाई नहीं यानी मैं अपनी सप्लाई को क्या कर दूंगी रिड्यूस कर दूंगी एंड बाईस वर्षा क्या बोल रहा है अगर मुझे लगता है फ्यूचर प्राइजेस क्या बोल रहा है अगर फ्यूचर प्राइजेस मुझे लगता है बढ़ेंगे तो मैं सप्लाई को आज की डेट में क्या कर दूंगी कम कर दूंगी लेकिन अगर मुझे लगेगा इसका वाइस वर्षा यानी इसका उल्टा क्या हो सकता है अगर मुझे लगता है फ्यूचर में प्राइस घटेगा तो मैं आज सप्लाई क्या कर दूंगी मैं आज सप्लाई बढ़ा दूंगी है ना अगर मुझे कल प्राइस कम मिलने वाला है तो मैं आज सोचूंगी ना ज्यादा सेल करूँ ज्यादा प्राइस पे राइट तो ये है आपका रिलेशनशिप बिटवीन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस एंड सप्लाई और ये रिलेशनशिप कैसा है ये रिलेशनशिप इनडायरेक्ट है, है ना एक तरफ एरो ऊपर की तरफ जा रहा है एक सप्लाई का एरो नीचे की तरफ अगर प्राइस का नीचे की तरफ तो सप्लाई का ऊपर की तरफ यानी इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस एंड सप्लाई अगर फ्यूचर प्राइस बढ़ेगा तो मैं आज सप्लाई कम करूंगी और मैं सोचूंगी मैं कल गुड्स बेचूंगी ज्यादा स... कल सप्लाई ज्यादा करूंगी ज्यादा प्राइस भी लेकिन अगर मुझे लगता है इसका वाइस वर्षा हो सकता है अगर मुझे लगता है कल मेरा प्राइस कम हो जाएगा फ्यूचर में मुझे कम प्राइस मिलने वाला है मेरे कुछ का तो मैं क्या करूंगी एज अ सप्लायर एज अ सेलर मैं क्या करूंगी आज की डेट पे ज्यादा सप्लाई करूंगी यानी इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस एंड क्वॉंटिटी सप्लाई ठीक है आई होप ये जो डिटर्मन ऑफ सप्लाई है ये अच्छे से क्लियर है कमिंग टू अदर फैक्टर्स सीधी सी बात है इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं नेचर ऑफ मार्केट नेचर ऑफ मार्केट पे हम डिटेल में लेक्चर करने वाले हैं अलग अलग टाइप के मार्केट्स होते हैं परफेक्ट कंपटीशन है ना मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऐसे करके बहुत सारे यहाँ ओलीगोपोली भी होता है एक ठीक है ऐसे करके चार पांच मार्केट्स हैं इसको मैं डिटेल में आपको आने वाले लेक्चर्स में कराने वाली हूँ सप्लाई जैसे खत्म होगा मैं डिटेल में इनके ऊपर लेक्चर्स लेके आऊँगी सो डोंट यू वरी टाइमिंग के लिए हम उसको सिर्फ नेम कर रही हूँ मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में आएगा यह नेक्स्ट क्या है रिलेटिव प्राइसज ऑफ अदर गुड्स एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल रिलेशन अगर ये सारे ही फैक्टर्स जो अदर फैक्टर्स है अगर ये फेवर फेवरेबल है तो सप्लाई ज़्यादा होगी एंड वाइस वर्सा अगर ये फैक्टर्स कैसे हैं अगर ये फैक्टर्स फेवरेबल है ठीक है सारे फैक्टर्स बाकी के फेवरेबल है तो आप सप्लाई ज़्यादा करोगे है ना और अगर ये फैक्टर्स अनफेवरेबल है तो आप सप्लाई कैसी करोगे आप सप्लाई कम करोगी है ना यानी मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे भी कैसा रिलेशनशिप हुआ यहाँ पे अदर फैक्टर्स और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशनशिप है डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना कैसा रिलेशनशिप है डायरेक्ट रिलेशनशिप है क्यों अगर फेवरेबल है तो आप ज्यादा सप्लाई करो अनफेवरेबल है तो आप कम सप्लाई करो ठीक है आई होप ये जो सारे फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग सप्लाई या जिसको आप डिटर्मेंट ऑफ सप्लाई भी बोल सकते हो ये आपको अच्छे से क्लियर है ठीक है सो थैंक यू आई होप आपको डिटेल में समझ में आया होगा मैंने एक एक फैक्टर पे इसलिए स्ट्रेस आउट किया है बिकॉज लॉ ऑफ सप्लाई जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी तब मैं वहाँ पे इसको एक एक को डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूंगी बिकॉज मैं ऑलरेडी इस लेक्चर में पूरी उसके लिए मेहनत कर चुकी हूँ राइट सो थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए कमेंट करके मुझे जरूर बताइए ज़्यादा से ज्यादा लोगों तक तो शेयर कीजिए बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है एंड सब so, एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय टेक केयर